हेक्टर ऑन दी अदर हैंड यहां पे एंटिटी के प्लेयर्स के ऊपर डैमेज देना चाहते हैं। शैडो के ऊपर एक काफी ज्यादा बढ़िया कनेक्शन ओमेगा लाते दिखेंगे। ओके हेक्टर वाला वाला नगर आते ध्यान दिया एडीएस ने किया था वहाँ पे उस आखिरी बुलेट में एडीएस के बिना वहाँ पे डायरेक्टली बस मार दिया था आयरन साइड के साथ बिकॉज ऑलरेडी डैमेज बहुत ज्यादा थे। डार्क की तरफ से भी एक बढ़िया आपको फिनिश अप आता दिखेगा। चार टीमें 11 प्लेयर्स बचे हैं व्हाट डू थिंक क्या लगता है आपको यहाँ पे स्टार बैचिंग किसके पास ये विनर विनर चिकन में जाता दिखेगा। दिस इज गेटिंग इंटेंस एंड यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट वही चीज होती हुई नजर आ रही है बिकॉज राइट नाउ देखिए ब्रॉलर्स के सिर्फ एक ही प्लेयर्स हैं एक ही प्लेयर बचे हुए लेकिन उनकी पोजीशन अच्छी है। दूसरी तरफ सामने हमें एक टीम देखने को मिल जाते हैं दे नीड टू कवर अप द सर्कल। सोल की बात करें तो सोल के जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छा होल्ड बना रहे हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उनकी पोजीशन ऐसी है जहां पर मल्टीपल टीम्स को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हीरोज की जो टीम थी हीरोज ऑफिशियल भी अब तक सर्वाइव कर रहे हैं। क्रीड एक प्लेयर हैं जो कि स्टैंडिंग अपने प्लेयर को रिवाइवल ज़रूर देना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो सोल एक अच्छी पोजीशन पर है उसका फायदा उठा रही है। ओमेगा अगेन एक प्लेयर को नॉकआउट करने में हो जाएंगे कामयाब। सो देयर आर चांसेस कि इस गेम को निकाल के ले जा सकती है बिकॉज अगर आप उनकी पोजीशन की बात करें उनके नंबर्स की बात करें सो दे आर लीडिंग द गेम इन दोस एस्पेक्ट्स। यहाँ बिल्कुल अगर बात करेंगे हम यहाँ से तो तीन टीमें 8 प्लेयर्स अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आप समझिए प्रेशर कितना ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि चाहेगी कि थ्रो कर देगी। हर एक टीम चाहेगी कि यस वी वांट टू बी द टीम जो कि यहाँ से जीत के जाए और हर एक टीम के अंदर वो काबिलियत है तभी आपको यहाँ पे अब तक टॉप पे दिख रही है। ऑटोबॉट्स के ऊपर नजर मेरी थोड़ी ज़्यादा रहने की क्या वो करने वाला बिकॉज दिस ऑल्सो टीम जो कि आपको नई नई के अंदर आती दिखी और जब यहाँ तक पहुंची है टीम तो आगे कहाँ तक और जा सकती है। ओमेगा इज ट्राइंग टू गो फॉर सम ग्रेनेड्स स्मोक के अंदर प्लेयर्स बैठे हैं नेड्स बार बार लगातार यहाँ पे जाए जा रहे अगर एक भी प्लेयर फटता है आई वुड जस्ट से कि उसका फिर पूरा चांस रहेगा कि सोल डायरेक्टली रश कर जाए। This is the moment everybody was waiting for. Autobots, one of the rising teams. लेकिन Omega, what was that? Hector ने पीछे से बहुत बेहतरीन कवर दिया. Seriously, nobody was expecting that कि इतना अच्छा कवर वहाँ पर आने वाला है and almost knockout भी हो सकते थे Omega. लेकिन Hector का जो कवर था वो बहुत बेहतरीन and Autobots की अगर बात की जाए एक और प्लेयर डाउन. Autobots solo player 1v3 impossible. Amazing. Team. Soul getting the win of winner chicken dinner in this particularly in this second match of rivalry esports. जी हाँ बिल्कुल 12 टोटल फिनिशर्स के साथ एक विनर विनर चिकन निकाला इट इज नॉट एट ऑल इजी 27 टोटल पॉइंट्स ये टीम इसका मतलब यहाँ से लेके जाती दिखेगी इस पर्टिकुलर मैच में विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। हाँ कुछ टीम्स हैं जो कि टॉप तक पहुंची थी